नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। अपने आज के ट्यूटोरियल में जैसा कि अपने स्क्रीन पर बनी असेंबली आप देख रहे हैं, ये एक ड्रिल चक की असेंबली है। जो इस ये ड्रिल चक की असेंबली का जो यूज़ है, वो जब हम इंसर्ट करते हैं ड्रिल चक में किसी ड्रिल को, और उसके बाद उस ड्रिल को जब हमें उसकी टाइटनिंग करनी होती है, तो इस असेंबली की मदद से करते हैं। जैसे ये गियर्ड पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला पोर्शन जो है उस ड्रिल चक में ड्रिल को टाइट करने के लिए यूज़ होता है, और इस हैंडल की मदद से हम इसे होल्ड करके घुमाते हैं। तो चलिए फिर आज हम इस असेंबली को बनाएंगे क्रियो पैरामेट्रिक 7.0 पर। इसमें दो पार्ट हैं। पहला पार्ट जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये है पायलट, और दूसरा पार्ट जो है वो ये है हैंडल। तो इन्हें हम एक एक करके बनाएंगे और उसके बाद असेंबल करेंगे। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो पहले तो मैं यहाँ से, ये देखिए, ये जिसके कंट्रोल्स थे, यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करूँगा। यहाँ से हम एक्सिस, डिस्प्ले पॉइंट, कोऑर्डिनेट सिस्टम और प्लेन डिस्प्ले को ऑन करते हैं। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक किया, देखिए सब ऑन हो गए। जनरली हमें इसी कंडीशन में ये नज़र आती है। तो यहाँ से फिर मैं इस यहाँ फाइल पर क्लिक करने के बाद क्लोज पर क्लिक करूँगा। अब एक नई फाइल देखिए हमारे सामने ये ओपन होती है। तो मैं एक बार इस फाइल को भी क्लोज करके आपको बताता हूँ। देखिए ये स्क्रीन है, ये वो स्क्रीन है जब हम क्रियो पैरामेट्रिक के आइकन पर डबल क्लिक करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने आती है। यहाँ से मैं न्यू पर क्लिक करूँगा। न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए पार्ट पर चेक मार्क होना चाहिए। यहाँ से यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक करने के बाद मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। एक और डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आता है, तो यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे और देखेंगे MMNS पार्ट सॉलिड। तो ये MMNS पार्ट सॉलिड हमें दिखाई देगा। यहाँ से ओके पर क्लिक किया, इसे सेलेक्ट करने के बाद चलिए अब हम इस कॉम्पोनेंट को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हमें एक स्केच बनाना होगा। तो यहाँ से मैंने स्केच पर क्लिक किया। स्केच पर क्लिक करने के बाद यहाँ से फ्रंट प्लेन पर क्लिक किया और यहाँ से स्केच पर दोबारा क्लिक कर दिया। इसके बाद हम ये स्केच व्यू पर क्लिक करेंगे। अब इस स्केच को बनाना शुरू करते हैं। तो पहले मैंने लाइन कमांड पर क्लिक किया, एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक नीचे इस तरह से, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है। दो बार एस्केप को दबाया। अब देखिए इसमें दो डायमेंशन नज़र आ रही हैं, इन्हें हमें कैसे मॉडिफाई करना है। तो पहले तो मैं इस डायमेंशन को मॉडिफाई करूँगा। इसे मैं कर दूंगा 53.20 / 2। ये तो ये इस तरह से देखिए 26.60 ये नज़र आने लगा। अब ये जो डायमेंशन नज़र आ रही है, इसे मैं इस पर टेक्स्ट पर डबल क्लिक करने के बाद कर दूंगा 53.20 और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये लाइन इस तरह से हमें नज़र आएगी। देखिए बिल्कुल सेंटर, इसका मिड पॉइंट जो है इस लाइन का बिल्कुल सेंटर में आ गया। तो चलिए अब हम इसे इसका बाकी का जो स्केच है वो बनाते हैं। यहाँ से मैंने दोबारा लाइन पर क्लिक किया। अब जो ये ऊपर वाला एंड पॉइंट है, इस पर क्लिक करेंगे। राइट हैंड साइड की तरफ आकर एक क्लिक किया, फिर उसके बाद नीचे की तरफ आकर एक क्लिक किया और एक क्लिक, फिर राइट हैंड साइड की तरफ, और यहाँ से एंगल में थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, क्लिक और करते हैं और एस्केप दबाते हैं दो बार। तो ये डायमेंशंस कुछ देखिए हमें दिखाई दे रही हैं। अब इन्हें हमें मॉडिफाई करना है। तो पहले तो मैं इसे मॉडिफाई करके कर दूंगा 4, ये इसे हम कर देंगे 8, इसे कर देंगे फिर से 4। और अब देखिए हमें क्या करना है कि यहाँ से डायमेंशन पर गए, इस पॉइंट और इस लाइन के इन दोनों पर क्लिक किया और स्क्रॉल बटन को एक बार पुश किया बस। तो देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें दिखाई देने लगा, इसे हम कर देंगे 15। अब हम यहाँ नीचे से दोबारा लाइन पर जाते हैं और ये नीचे वाला जो एंड पॉइंट हमें नज़र आ रहा है, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए राइट हैंड साइड पर आएंगे, यहाँ क्लिक किया, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, एक क्लिक और करेंगे, एस्केप दबाएंगे दो बार। अब देखिए इन्हें मॉडिफाई करेंगे, इसको हम कर देंगे कितना, 6 mm, और इसे कर देंगे 30 mm। तो ये इस तरह से देखिए नज़र आ रहा है। अब यहाँ से लिया आर्क, 3 point tangent arc, ये ऑप्शन लेंगे हम, एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक यहाँ, और इस तरह से देखिए ये आर्क, एक क्लिक बीच में ये आर्क बन गई। इसे हम मॉडिफाई करके कर देंगे कितना, इसे कर देंगे 20। ये देखिए ये इस तरह से हमें आर्क नज़र आएगी। ओके, तो ये हमारा स्केच यहाँ पर तैयार हो जाता है। इसके बाद हम एक सेंटर लाइन मार्क करेंगे यहाँ पर। देखिए ये रही सेंटर लाइन, सेंटर लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक नीचे, तो एक वर्टिकल सेंटर लाइन आपको दिखाई देने लगी, और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है। इसके बाद यहाँ से ओके पर क्लिक किया। देखिए अभी हमने लगता है सेंटर लाइन जो है वो गलत वाली चूज़ कर ली थी। स्केच तो हमारा बन गया। अब देखिए मैं राइट क्लिक, यहाँ से, अच्छा ये स्केच बना है, अभी रिवॉल्व नहीं दिखाई दे रहा इसमें। ये रिवॉल्व पर क्लिक करेंगे, इसके बाद इस लाइन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए
इस तरह से, यानी कि हमने जो सेंटर लाइन ली थी वो बिल्कुल सही वाली ली थी। इसमें दो ऑप्शन आते हैं सेंटर लाइन के, तो चलिए ये देखिए, यहाँ पर ये रिवॉल्व हो जाता है ऑब्जेक्ट, और यहाँ से मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पर इसके आगे गियर्ड पोर्शन बनाएंगे, देखिए वो कैसे बनेगा। तो मैंने फिर से यहाँ एक स्केच पर क्लिक किया, और ये जो ऊपर वाला सरफेस है इस पर क्लिक किया, इसके बाद स्केच पर क्लिक किया, तो ये प्लेन हमारा सेलेक्ट हो गया जिस पर हमें स्केच बनाना है। यहाँ से मैं स्केच व्यू पर क्लिक कर रहा हूँ। अब देखिए इस तरह से हमें नज़र आएगा। अब यहाँ पर मुझे सेंटर पर दो सर्कल बनाने, देखिए सर्कल कमांड ली यहाँ से, एक क्लिक सेंटर पर, एक क्लिक बाहर, एक क्लिक सेंटर पर, फिर एक क्लिक बाहर, और एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकल आए। अब देखिए इनको मॉडिफाई करना है हमें। एक सर्कल की डायमेंशन हो जाएगी 30, और एक सर्कल का डायमीटर हो जाएगा 9। तो ये दो सर्कल हमने बनाए। अब यहाँ से देखिए मैं ये ले रहा हूँ लाइन कमांड, लाइन पर क्लिक किया, सेंटर पर क्लिक किया, और इस तरह से देखिए एक एंगल पर लेते हुए यहाँ क्लिक कर दिया बाहर, और एस्केप दबाया 2 बार। अब जाएंगे हम डायमेंशन पर, इस लाइन और इस प्लेन के बीच में जो एंगल है वो होना चाहिए 10 डिग्री। तो हमने क्या किया, डायमेंशन पर क्लिक करने के बाद एक क्लिक इस लाइन पर किया, और एक क्लिक इस प्लेन पर किया, और स्क्रॉल बटन को एक बार पुश किया, तो देखिए इन दोनों के बीच का एंगल हमें नज़र आने लगा। तो ये हम कर देंगे 10, और एंटर प्रेस करेंगे। इस तरह से देखिए ये लाइन हमें दिखाई देने लगी। अब इसी लाइन को हमें नीचे की तरफ मिरर करना है, तो यहाँ से लिया मैंने, पहले तो इस लाइन पर क्लिक किया, मिरर देखिए शो नहीं हो रहा इस वक्त, दोबारा इस लाइन पर क्लिक करता हूँ, देखिए मिरर देखने लगा, मिरर पर क्लिक किया, और ये प्लेन पर क्लिक कर दिया, तो देखिए नीचे ये लाइन मिरर हो गई। अब हम यहाँ से ट्रिमिंग करेंगे, तो ट्रिमिंग के लिए डिलीट सेगमेंट पर क्लिक किया मैंने, ये देखिए ये पोर्शन यहाँ से हटा दिया। इसके बाद ये जो सर्कल का बचा हुआ पोर्शन है ये भी पूरा देखिए हट जाएगा। इसके बाद ये जो सर्कल है ये भी पूरा यहाँ से रिमूव कर देंगे, और ये भी रिमूव हो जाएगा पोर्शन। तो सिर्फ इतना ये हिस्सा हमें चाहिए स्केच का। अब यहाँ से हम ओके पर क्लिक करते हैं, और ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है कि इस स्केच में कुछ कहीं रह ना गया हो, कोई भी हिस्सा ट्रिम होने से रह ना गया हो, और ये क्लोज होना चाहिए, बाउंडेड एरिया होना चाहिए। इसके बाद हम एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे। एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरह से हमें नज़र आ रहा है। अब यहाँ से हम नीचे की तरफ लेकर जाते हैं, इसे नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, यहाँ से हम 9 mm 9 टाइप करके एंटर प्रेस किए यहाँ डैशबोर्ड पर, और यहाँ से रिमूव मटेरियल ऑप्शन को इस पर क्लिक किया, तो ये ऑन हो गया। ये देखिए इस तरह से हमें नज़र आएगा। इसे 9 की जगह हम थोड़ा सा और गहरा ले जाते हैं, 10 mm कर देते हैं, सॉरी ये 10 mm, इस तरह से देखिए ये दिखाई देगा हमें, ये कटा हुआ। अब यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे हम। ओके, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से मैंने लिया राउंड, राउंड राउंड बाद में कर लेते हैं, पहले तो हम इसे पैटर्न कर लेते हैं। चलिए पैटर्न करते हैं। यहाँ से मैंने ये फीचर लिया एक्सट्रूड 1, क्लिक किया इस पे, यहाँ से पैटर्न एक्टिवेट हो गया, तो पैटर्न ये सेलेक्ट किया। इसके बाद यहाँ से मैं ऑप्शन लूँगा एक्सिस पैटर्न, एक्सिस पैटर्न यानी सर्कुलर पैटर्न, यानी कि सर्कुलर जो जो पोलर एरे होता है ये वही कमांड है। यहाँ से मैंने इस एक्सिस को सेलेक्ट किया क्योंकि इसके चारों तरफ मुझे ऑब्जेक्ट को घुमाना है, ये इस तरह से देखिए नज़र आएगा। अब यहाँ पर मैंने ये एंगल जो है, ये टोटल एंगल है, इसे एक्टिवेट करेंगे, ये 360 ऑन हो जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स का वो 360 डिग्री के एंगल के बीच में होगा। अब यहाँ से नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर 4 नज़र आ रहे हैं, इसे हम ले लेंगे 10, 10 टाइप करके एंटर प्रेस करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये 10 आ जाएगा, और यहाँ से ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद ये कुछ हमें इस तरह से देखिए नज़र आएगा। ओके, तो चलिए अब हम यहाँ पर एक और कमांड यूज़ करते हैं, ऑटो राउंड। ये देखिए राउंड तो हमने देखा होगा, यहाँ पर हो जाएगा ऑटो राउंड। ऑटो राउंड पर जाएंगे, यहाँ पर हम एक वैल्यू दे देते हैं यहाँ पर 0.3, और एंटर प्रेस करेंगे। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे, तो इस पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी कॉर्नर्स हैं, जितनी भी शार्प एजेस हैं, वो राउंड हो जाएंगी 0.3 mm की रेडियस के साथ। तो ये देखिए यहाँ पर ये धीरे धीरे जो है, जितने भी कई कॉर्नर्स होंगे तो वो उन सबको धीरे धीरे राउंड हो रहा है ये।
मेरे ख्याल से ये वैल्यू ज़्यादा हो गई है, तो इसे हमें इसीलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। देखिए वैल्यू ज़्यादा नहीं थी, वो थोड़ा सा एजेस, नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ साइड्स ज़्यादा थी, इस वजह से इतना टाइम ले रहा था। लेकिन ये एक बार में देखिए, इसमें जितने भी कॉर्नर्स थे यहाँ वहाँ सब जगह देखिए अपने आप ये राउंड हो गए। तो ये पायलट कंपोनेंट जो है हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, इसमें बस एक हमें केवल होल करना है। तो चलिए वो भी बनाते हैं। मैंने यहाँ से स्केच पर क्लिक किया, कंट्रोल के साथ डी प्रेस कर लेता हूँ, तो ये ओरिएंटेशन मुझे नज़र आता है। तो ये फ्रंट प्लेन है, मुझे इसे ही सेलेक्ट करना है। यहाँ से फिर स्केच पर क्लिक किया मैंने, फिर यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया। अब सर्कल कमांड में गए हम, सेंटर एंड पॉइंट ये ऑप्शन चूज़ किया। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आकर सेंटर मार्क किया और एक सर्कल बनाएंगे। एस्केप दबाकर मैं कमांड से बाहर निकलता हूँ। इस सर्कल का जो डायमीटर है वो हो जाएगा 6 mm, 6.5 ले लेते हैं इसको। 6.5 ले लिया, 6.5 की जगह नहीं इसे हम 6 ही लेते हैं। और इसको ये डायमेंशन पर क्लिक किया, यहाँ से ये इस एज से ये जो होगा इसका डिस्टेंस निकालना है। तो पहले हम डायमेंशन पर क्लिक करेंगे, फिर इसके सेंटर पर क्लिक करेंगे, और फिर ये जो नीचे वाली एज है इस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद स्क्रॉल बटन को पुश करेंगे, तो देखिए डिस्टेंस आ जाएगा। अब यहाँ से इसे हम कर देंगे 10, 10 टाइप करके एंटर प्रेस किया, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए स्केच यहाँ पर हमें नज़र आने लगा इस तरह से। अब यहाँ से एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ हम बोथ साइड वाला ऑप्शन ले लेंगे, और मटेरियल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से हम ड्रैग करके बाहर लेकर आते हैं, ये देखिए ये मटेरियल दोनों तरफ रिमूव हो जाएगा, इस तरह से कुछ नज़र आएगा हमें। तो यहाँ से मैं अब ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से राउंड कमांड हम यूज़ करेंगे। फिर से राउंड में गए, यहाँ वैल्यू हम देंगे 0.5, और ये देखिए ये एज घुमाया, इसे घुमाने के बाद ये पूरी एज, और ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये यहाँ से ये हमारा कंपोनेंट पहला वाला ये रेडी हो गया। इसे हम सेव कर देंगे, सेव एज, सेव अ कॉपी, डेस्कटॉप पर ले जाते हैं इसे। इसका यहाँ पे नाम रख देते हैं पायलट, और ओके पर क्लिक कर देते हैं। पायलट के साथ अंडरस्कोर 1 कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। तो देखिए ये कंपोनेंट हमारा रेडी हो गया। इसे हम सेलेक्ट ऑल, ये इसको सबको ऑफ करके डिस्प्ले को इस तरह से देखिए काफ़ी रियलिस्टिक नज़र आता है। अब इसे ऑन किया, ऑन करने के बाद इस फाइल को क्लोज कर रहा हूँ मैं। अगेन एक नई फाइल ओपन करते हैं, न्यू, यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, ओके। सेम वही प्रोसीजर दोहराते हुए यहाँ से हम MMNS पार्ट सॉलिड दोबारा सेलेक्ट करेंगे, ओके। अब देखिए दूसरा कंपोनेंट जो है वो हम बनाएंगे, वो है एक हैंडल है। चलिए स्केच बनाते हैं पहले। यहाँ से मैंने एक्सट्रूड पर क्लिक किया, प्लेसमेंट, डिफाइन, ये रहा फ्रंट प्लेन, स्केच, स्केच व्यू, सर्कल पर क्लिक किया, एक सर्कल सेंटर बीच में मार्क किया और बाहर जाके क्लिक किया, एस्केप दबाया। अब इस डायमेंशन को चेंज करेंगे, हम करेंगे 6.5। और ओके कर देंगे। कंट्रोल के साथ मैंने डी प्रेस किया। अब ये जो है इसकी जो लेंथ है सिलेंडर की, या हाइट कह लीजिए, इसे हम रखेंगे 50 mm। 50 टाइप करके मैंने यहाँ बॉक्स में एंटर प्रेस किया और ओके कर दिया। तो फिर से कंट्रोल के साथ डी प्रेस किया, ये कुछ ऐसे नज़र आएगा हमें। अब इसके ये पीछे वाले हिस्से पर, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर हम दोबारा एक्सट्रूड पर क्लिक करते हैं, प्लेसमेंट, डिफाइन, और इस सरफेस पर क्लिक करते हैं, और स्केच पर क्लिक करते हैं यहाँ से, और उसके बाद स्केच व्यू पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए ये हिस्सा हमारे सामने, ये मतलब प्लेन आ जाएगा हमारे सामने स्केच बनाने के लिए। यहाँ से रेक्टेंगल पर जाएंगे,
सेंटर रेक्टेंगल पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से सेंटर पर क्लिक करेंगे और इस तरह से देखिए ये एक क्लिक ऊपर आ जाएगा और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर आएंगे। तो देखिए ये दो डायमेंशन हमें यहाँ पर दो के अभी एक ही नज़र आ रही है और एक को चेंज करेंगे तो दूसरी अपने आप चेंज हो जाएगी। तो ये 3.98 नज़र आ रहा है, इसे हम कर देते हैं 4 और एंटर प्रेस कर देते हैं। तो ये एक स्क्वायर बन गया 4 mm का। यहाँ से ओके पर क्लिक किया, अब देखिए इस तरह से ये एक स्क्वायर्ड शाफ्ट की तरह से ये देखिए ये इस तरह से ये नज़र आ रहा है हमें। अब देखिए ये इसको हम यहाँ पर वैल्यू जो देनी है हमें वो दे देंगे हम 20, 20 टाइप करके एंटर प्रेस किया मैंने, यहाँ से ओके पर क्लिक किया। अब ये जो पोर्शन है ये वाला जो फेस है एक्सट्रूड प्लेसमेंट डिफाइन, अब इस फेस पर क्लिक करेंगे और स्केच पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से स्केच व्यू, तो ये देखिए फिर ऐसे नज़र आने लगा। अब फिर सर्कल पर जाएंगे और सेम ये सर्कल बनाना है हमें। देखिए ये 6.5 का था, यही सर्कल हमने बनाया, बिल्कुल टच हो गया इससे। ओके, और इसे हम लेकर जाएंगे कितना 15, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर दिया। तो ये कुछ इस तरह से देखिए ये नज़र आने लगा। ये अभी तो ये हैंडल का जो शाफ्ट वाला पोर्शन है वो बन रहा है, अब इसके बाद इसका जो ये कहिए कि जो कॉलर है वो बनेगा। अब इसका कॉलर बनाने के लिए हम यहाँ से फिर दोबारा एक्सट्रूड पर जाते हैं और ये ध्यान देना है हमें कि कौन सा प्लेन लेना। मैंने कंट्रोल के साथ फिर डी प्रेस किया, ये देखिए ये ओरिएंटेशन आ गया। तो प्लेन मुझे ये लेना है टॉप, मैंने टॉप पर क्लिक किया। इसके बाद स्केच व्यू पर क्लिक कर दिया, तो ये इस तरह से हमें नज़र आने लगा। अब हम एक एलिप्स बनाएंगे दोस्तों, यहाँ से मैंने एलिप्स पर क्लिक किया, तो ये लेंगे सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स, ये ध्यान रखिएगा सेंटर एंड एक्सिस एलिप्स। ये यहाँ पर क्लिक किया देखिए मैंने, और एक क्लिक ऊपर और एक क्लिक इस तरह से, और एस्केप दबाया। अब देखिए दोनों इसके मेजर और माइनर डायमीटर जो है हमें नज़र आने लगे, इनको साइड में कर लेते हैं पहले। अब इसे मॉडिफाई करते हैं, देखिए ये तो हो जाएगा जो मेजर एक्सिस है ये हो जाएगा 22, और जो माइनर एक्सिस है ये हो जाएगा 13, इस तरह से। अब डायमेंशन पर जाते हैं, इस एज और इस सेंटर पर क्लिक करेंगे और स्क्रॉल बटन को पुश करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 1.97, इसे कर देंगे 5। तो ये प्लेसमेंट है इसका सही। अब यहाँ से ओके पर क्लिक किया, ओके पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल के साथ मैंने डी प्रेस किया, और इसके बाद यहाँ से जो हम ऑप्शन लेंगे ये लेंगे बोथ साइड वाला, और क्लिक किया यहाँ पर। अब जो है इसकी वैल्यू दे देते हैं हम 3, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ ऐसा हमें नज़र आएगा हैंडल। चलिए अब हमें करना क्या है कि इसमें राउंड पर क्लिक किया मैंने, यहाँ वैल्यू रखी कितनी 1 mm, एक टाइप करके एंटर प्रेस किया, एक एज ये वाला और एक एज ये वाला और एक एज ये वाला, इन तीनों पर क्लिक किया। ऐसे ही सेम इसके नीचे की तरफ ये दूसरी साइड पर अपोजिट फेस पर आप जैसा देख रहे हैं, और यहाँ से ओके पर क्लिक किया। कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें कुछ ग्रिप के लिए कुछ बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मैंने दोबारा एक्सट्रूड पर क्लिक किया। एक्सट्रूड पर क्लिक करने के बाद देखिए इस बार मैंने ये प्लेन लिया है, ये राइट प्लेन है। अब यहाँ से स्केच व्यू पर क्लिक किया, तो ये हमें कुछ ऐसे नज़र आने लगा ऑब्जेक्ट। अब जूम इन करके इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यहाँ से लिया मैंने, पहले तो मैं रेफरेंसेस ले लेता हूँ। ये देखिए ये रेफरेंस पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर ये एज मुझे नज़र नहीं आ रही है रेफरेंस के तौर पर, केवल ये एज नज़र आ रही है, और ये प्लेन, ये तीनों एजेस ले लेते हैं रेफरेंस के लिए, क्लोज किया हमने। अब यहाँ से बनाना शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट को, मैं लाइन कमांड ले लेता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये देखिए लाइन यहाँ से इधर यूँ इस तरह से, ये देखिए एक मैंने रेक्टेंगल बनाया। अच्छा अब इस रेक्टेंगल का जो वो ये देखिए ये डायमेंशन है ये यहाँ से नज़र आ रही है, ये इधर से दिखाई दे रहा, तो हमें यहाँ से थोड़ी दूरी से इसको शुरू करना है। तो ये फिफ्ट कितना है, 48.94 है, इसे हम करते हैं 50, ये थोड़ा और नज़दीक चला गया। हाँ ठीक है, ये
अब यहाँ से देखिए ये जो नज़र आ रहा है इसे ये 1.28 है, इसे हम कर लेते हैं 0.75। ओके, ये जो डेप्थ यहाँ पर दे रखी है ये ऑलरेडी 0.75 है, ये भी हमें इतना ही चाहिए था एक्चुअली, तो यहाँ से हम इसे ले आते हैं। अब यहाँ पर एक सेंटर लाइन मार्क करते हैं, ये रहा सेंटर लाइन, एक क्लिक इधर एक क्लिक इस तरफ और एस्केप दबाया। अब इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट किया ऐसे विंडो बना के, और यहाँ से मिरर, मिरर के बाद ये सेंटर लाइन, इस पर क्लिक किया, तो ये देखिए ये साइड मिरर हो गए दोनों ऑब्जेक्ट, और ओके पर क्लिक कर दिया आपने। ओके, अब कंट्रोल के साथ डी प्रेस किए कुछ ऐसे नज़र आने लगा, जूम इन करके इसको देखते हैं। अब यहाँ से हम जो ऑप्शन लेंगे वो बोथ साइड वाला लेंगे और रिमूव मटेरियल ऑन रहेगा, ये देखिए कुछ ऐसे। कोशिश ये करनी है हमें कि हम इसको यहाँ तक ले आए कम से कम इतनी दूरी तक, क्योंकि ये इधर अभी पैटर्न होगा। तो ये देखिए इस तरह से हम ले आए और ओके पर क्लिक किया। ओके पर क्लिक करने के बाद ये हमें इस तरह से नज़र आएगा, देखिए दोनों साइड इसके हमें ग्रिप एक क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर हमें कुछ स्लॉट्स बनाने होंगे छोटे छोटे। तो इसके बाद हम पैटर्न करते हैं, देखिए Extrude 5 है ये फीचर, पैटर्न। ओके, अब यहाँ पर डायमेंशन की जगह हम लेंगे डायरेक्शन का ऑप्शन, और ये वाला जो प्लेन है हम ये ले लेंगे रेफरेंस के तौर पर, प्लेन को इस डायरेक्शन में जो है वो पैटर्न होगा ये ऑब्जेक्ट। अब इसके बाद यहाँ पर स्पेसिंग की जो बात आती है, स्पेसिंग हमने ले ली यहाँ पर 1 mm, और नंबर ऑफ मेंबर्स ले लिए 7, स्पेसिंग थोड़ी और बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे कर लिया 2 mm। अब कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, यहाँ से ओके पर क्लिक किया, ये देखिए इस तरह से ये एक ग्रिप क्रिएट हो जाती है यहाँ पर। ओके, अब इसमें हमें कुछ कॉर्नर्स को राउंड करना होगा, तो चलिए वो करते हैं। राउंड पर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर वैल्यू 1 mm दे रखी है, इसको कर देते हैं 0.5 mm, ये रहा, ये देखिए ये कॉर्नर, इसके बाद ये कॉर्नर, इसके बाद ये कॉर्नर, और यहाँ से ओके पर क्लिक कर देते हैं। देखिए ये कॉर्नर्स जो हैं वो यहाँ से राउंड हो जाते हैं। तो दोस्तों ये है हैंडल कंपोनेंट, तो हम इसे एक बार ये सारे जो डिस्प्ले हैं इन्हें ऑफ करते हैं और इसके बाद देखते हैं। देखिए इस तरह से ये स्पिन सेंटर को भी मैं ऑफ कर देता हूँ, तो ऐसे ही हमें नज़र आ रहा कंपोनेंट। ओके, दोबारा इस पर क्लिक करने के बाद इसे ऑफ कर दिया, सॉरी ऑन कर दिया मैंने सारे। अब यहाँ से इस फाइल को भी सेव कर लेते हैं, सेव एज, सेव अ कॉपी, डेस्कटॉप पर ये ले जा रहा हूँ मैं, Handle 1, और ओके कर दिया। तो ये देखिए ये कंपोनेंट भी सेव हो गया। अब हम इसे असेंबल करेंगे, चलते हैं असेंबल करने की तरफ। फाइल पर क्लिक किया, क्लोज पर क्लिक किया, अब दोस्तों फिर वही स्क्रीन आ गई। अब यहाँ से न्यू पर क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ से असेंबली पर क्लिक किया और यूज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट को अनचेक करने के बाद ओके पर क्लिक किया। अब यहाँ से हम ढूंढेंगे MMNS ASM डिज़ाइन, ये देखिए MMNS ASM डिज़ाइन ये रहा, इसके बाद ओके। अब देखिए ये हमारे सामने इस तरह से नज़र आ रहा है ये स्क्रीन, असेंबल पर क्लिक किया, अब ये पायलट ओपन, ये देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है ये देखिए, पहला जो बेस ऑब्जेक्ट है उसे हम ले लेते हैं डिफ़ॉल्ट, डिफ़ॉल्ट यानी कि ये देखिए दोनों के कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो मैच कर जाएंगे, ये डिफ़ॉल्ट है ये देखिए, और यहाँ से ये फुली कंस्ट्रेंड अपने आप आ गया यहाँ पर, फुली कंस्ट्रेन यानी फुली डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये पहला ऑब्जेक्ट जो है हमारा प्लेस हो गया इस तरह से, कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो ये प्लेस हो गया यहाँ पर। अब अगला कंपोनेंट हम लेकर आते हैं, असेंबल पर क्लिक किया मैंने, हैंडल ओपन, देखिए इस ओरिएंटेशन में ये आ रहा है। देखिए असेंबल करते वक्त मतलब जब हम पार्ट बनाते हैं, तो पार्ट बनाते वक्त हमें जो है हमारा विजन इतना क्लियर होना चाहिए कि हम जब इसको असेंबली करते हुए कंपोनेंट को जब लेकर आएंगे असेंबली करने के लिए, तो वो किस ओरिएंटेशन में हमें मिलेगा। जैसे ये भी देखिए हमें जैसे लगाना है हमें वैसे ही मिल रहा है, तो इसका ध्यान हमें पार्ट बनाते वक्त ही रखना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है इसे, तो हमारे लिए काम असेंबली में आकर बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए अब हम इसे इंसर्ट करते हैं जहाँ पर इसे हमें ले जाना है, तो यहाँ पर देखिए ये एक्सिस है,
इस एक्सिस पर मैंने क्लिक किया है। देखिए थोड़ा जूम इन करके आपको दिखाता हूँ, ये एक्सिस है, इस पर क्लिक किया मैंने। अब इस भी ये देखिए यहाँ पर ये एक्सिस भी शो हो रहा है, इन दोनों पर क्लिक किया एक एक करके, तो ये देखिए ये एक्सिस दोनों के मैच कर गए, ये पार्शियली कंस्ट्रेन है अभी। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ओके पर क्लिक करते हैं। अब ओके पर क्लिक करने के बाद अभी देखिए ये हमें इस तरह से नजर आ रहा है। मैं एक बार कंट्रोल जेड करूंगा, एक बार फिर से इसको हम लेकर आते हैं। देखिए असेंबल हैंडल ओपन, अब देखिए इसको पहले थोड़ा सा हम मूव कराएंगे कंपोनेंट को यहाँ से। ये देखिए पहले तो वही एक्सेस सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये ऐसे सेलेक्ट हो गए। अब हम इसे थोड़ा सा ये देखिए यहाँ से ये ड्रैग कराकर इस तरफ लेकर आएंगे, मतलब कि ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है वो इसके बीच में आ जाए। ये हमने इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रैग करा के लेकर आए। अब अगला जो हम कंस्ट्रेंट यूज़ करेंगे वो ये यूज़ कर लेते हैं, देखिए ये फेस और ये फेस, ये दोनों कंसाइट की जगह पैरेलल होने चाहिए, और ओके इस तरह से ये हमें असेंबल करना है, ये इस तरह से हमें नज़र आएगा। यहाँ से मैंने सेलेक्ट ऑल ये सारे डिस्प्ले ऑफ कर दिए, स्पिन सेंटर को भी ऑफ कर दिया, तो इस तरह से दोस्तों हमें ये दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी असेंबली ड्रिल चक की, और इसमें हमने दो कंपोनेंट्स बनाए, एक पायलट और एक हैंडल, और इनको कैसे असेंबल किया ये आपने देखा। ये अभी जो हमने हैंडल लगाई ये फुली कंस्ट्रेंड नहीं है, मैं आपको इसमें ये चीज़ क्लियर कर दूं कि ये फुली कंस्ट्रेंड नहीं है अभी, ये पार्शियली कंस्ट्रेन है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।